आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसी मॉडल पे भारत सरकार की तरफ से 2,817 करोड़ रुपए का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये अप्रूव हुआ है। किसानों को अपना लोन लेने में एक पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, जहां पे डीपीआई के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं वहां पे ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट में कंप्लीट होता है। सारे के सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली एक डिजिटली चेक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट एक अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये साथ के साथ फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है, उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें दो फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे, एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। कई सारी चीजें किसानों को एक क्लिक ऑफ द बटन पे मिलेंगी और मोबाइल फोन पे मिलेंगी, जैसे सॉइल प्रोफाइल है, डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, रिजर्वॉयर्स में कितना पानी है, वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, वो भी माइक्रो वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, यानी वेदर से रिलेटेड एक मैक्रो होता है और एक लोकल इन्फॉर्मेशन होती है। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर करना है, जैसे एआई की उपयोग से डिजीज के बारे में, क्रॉप डिजीज के बारे में, क्रॉप यील्ड के बारे में कई चीजें पता चलती है, तो वो सब कैसे पता चले, फिर बायर्स के साथ कनेक्ट करना ऑटोमेटिकली जिससे पेमेंट भी सीधा आ जाए, एमएसपी पर बाइंग विदाउट एनी हैसल्स हो सके, एक तरीके से मोबाइल फोन में इतनी नॉलेज आ जाए कि किसानों की जिंदगी में एक मेजर चेंज आए। जैसा हम सब ने देखा है यूपीआई का प्रभाव करीब करीब हम सभी यूज कर ही रहे हैं, सेम मॉडल पे लॉजिस्टिक्स का बना, सेम मॉडल पे हेल्थ सेक्टर का बना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसी मॉडल पे भारत सरकार की तरफ से 2,817 करोड़ रुपए का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये अप्रूव हुआ है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट आएगा, और जो आरंभ में जहां पायलट्स हुए हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। किसानों को अपना लोन लेने में एक पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, जहां पे डीपीआई के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं वहां पे ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट में कंप्लीट होता है। 20 मिनट में सारे के सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली एक डिजिटली चेक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे।